टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, आज की स्टूडियो में संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जो कि आपको बहुत मदद देगा। यदि आप भी आप 75 में से 60-65 नंबर लाना चाहते हो तो इन क्वेश्चनों को याद करके जरूर जाइएगा। इससे आपको वार्षिक परीक्षा है जो आपकी कुछ तुरंत बाद, उसमें आपको बहुत मदद देगा, बहुत क्या अधिक मदद देगा, है ना। सृष्टि आ जाएगा, राजा नाम है ना। टाइम कम बचा उसके हिसाब से मैं फटाफट आपको बोल बोल कर बता देता हूँ। बढ़िया सा आपको स्क्रीनशॉट रखकर याद कर लेना, है ना। पितरी आ जाएगा जैसे हम पेज पलटेंगे ना, जिसलिए जो को विद्यार्थी को अच्छे संख्या चाहिए वो पूरा कवर कर सकता है। बालक आ जाएगा जुवन दुर्भाम अस्ति तो अत्र आधुलिक तेसु अव्ययम नास्ति तो परा। रिक्त स्थान देखिएगा, पूरे रिक्त स्थान में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चतुर काक काकहा इतिनियो पदियो विशेषणम अस्ति तो चतुरहा आ जाएगा। और अमंत्रम और तीसरे में जलम, चौथे की बात करूं तो भार्य, पांचवे में क्या जाएगा, पांचवा डा दानवाय इतस्य पराय पद विलोम अस्ति तो आपका क्या जाए मानवाय, है ना। और जैसे आपका छठा देखोगे तो छठे में भी आपके पूरे यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिए, है ना। छठा का मतलब ये नहीं कि छठा प्रश्न, छठा क्वेश्चन देखिएगा आप, है ना, मतलब इसका चार नंबर का। जोड़ी देख लीजिएगा, जोड़ी भी पूरी प्रोवाइड करा दी है आपके लिए, है ना। तो बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट ले। अग्निदंत की बात करूं तो तत्पुरुष समास इत्यादि में क्या आ जाएगा, यन संधि। गायक की बात करूं तो अयादि और चोराद भयम में आपका कौन सा आया, पश्चमी तत्पुरुष समास। नर प्लस इंद्र की बात करें तो नरेंद्र, जो कि आपका क्या जाएगा गुण संधि। तो यहां से बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा एक पद है, अगत्य तस्मिन पदे प्रत्यस्ति तो आपका अगत्य में क्या जाएगा लेप, लेप प्रति एकम उदाहरण लिखत तो प्रदाय आ जाएगा। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति तो बालिका में आपका टाप आ जाएगा। केसा संपतो चा एक रूपता तो महताम आने वाला है। रामा में आ जाएगा दुर्बले सूते कश्या अधिका कृपा भवती तो मातुहा, है ना। आम नाम देखिएगा भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति तो आम आ जाएगा। याचतु इतस्मिन पदे एक वचनम अस्ति तो याचतु में आम आ जाएगा। गमस्यामि इति पदे लट लकार अस्ति ना। और ये आम नाम देख लीजिएगा, यहाँ से छठे क्वेश्चन से दो दो नंबर के रहने वाले। कवि किमर्थ प्रकते सारणम इच्छति आम, सॉरी यहाँ पर देखिएगा दो दो नंबर का क्वेश्चन है ना, और थोड़ी जल्दी जल्दी है इसलिए थोड़े वर्ड इधर उधर हो रहे हैं, तो आप एडजस्ट कर लें, है ना। कृषम किम करोति स्म, है ना। यहाँ से जैसे पेज पलटेंगे पूरा सोल्यूशन मिलेगा, परंतु ये क्वेश्चन आप कर लेना ना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ से देखो 14 में फिर आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे लगातार, है ना। तो 13वें में आपने जो आपके सर ने बताया था या आपने किया होगा एक श्लोक, सभी बच्चों का अलग अलग श्लोक है, तो यहाँ पर कंपल्सरी चीजें तो आपने कर ली होगी। यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध सीताराम से सावन गच्छति, सीताराम के साथ वन गई थी, बिल्कुल बात सच्ची है, परंतु जो सेंटेंस है तो रामस्य की जगह क्या आ जाएगा रामेण आ जाएगा। माता बालकम दूध जाती तो बालिका आ जाएगी। अहम दूध रोच तो महाम आ जाएगा और तड़ांगे आ जाएगा। जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा पंद्रुआ, पंद्रुआ के आपके पूरे रिक्त स्थान अत्र स्थित प्रज्ञा, तीसरा में वाचम, चौथे में प्रात्मो, पांचवे में राजपुत्रा और छठे की बात करूं ईदानी वायुमंडलम प्रदुष्मति तो क्या करता है भ्रसम करता है। क्लियर है। 16वे क्वेश्चन घटना क्रम मतलब क्रम संयोजन, है ना। तो क्रम से जमाने, जैसे यहाँ पर माँ नीच गले बंधुत्वा चले सत्वरम तो आपका पहला नंबर पर आएगा। ये जो मैंने लिखा, जैसे जो यहाँ पर एक लिखा तो ये पहले नंबर पर आएगा, दो यहाँ लिखा तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। अब ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल आप, जिसलिए कह रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा वो पहले नंबर पर लिख देना, भले वो दूसरे पर लिखा हो, ये आपका दूसरे पर आएगा, ये तीसरे पर और ये चौथे पर लिख देगो, लिख दोगे तो वाच्य परिवर्तन आ जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 18वां, जो कि आपको इसी में से चाटने रहेंगे। क्लियर है। यहाँ से तीन नंबर के इसी में से मिल जाएंगे, सीरीज में देख लेना। यह तो वह पूरा एक पेज में आ जाएगा। जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने यहाँ पर 19वां, इसी में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखने। क्लियर है। अथवा जो आपको जल्दी मिल जाए, जो आपको सरल लगे, है ना, जो आपको याद है वो आप लिख कर आ जाना है ना, इसी में से लिखना है, कोई अलग से आपको नहीं करना। फिर बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे से अंक ला पाओगे। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां इसी में से ढूंढने के रहेंगे ना। अब ढूंढूंगा तो मैं कितना टाइम खर्च होगा, आपका भी होगा, तो जिस विद्यार्थी को याद है उसका टाइम बच जाएगा। क्लियर। अब मैं सभी के लिए एक जैसा करूँ तो बिल्कुल जिसको याद है उसका टाइम वेस्ट होना है। क्लियर है। तो अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके आप लिख लेना।
या तो थोड़ा पिलर मार रहा, तो आप स्क्रीन शॉट लेते बेटर, थोड़ा टाइम यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा, ये है ना 21वां भी वैसे ही का वैसे ही, इसी में से आपको छाट कर लिखना है। जैसे हम पेज पलटेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से 22वां और लास्ट जो बचा हुआ आपका ये 23वां। तो क्लियर है, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। देखो जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक आने की उसकी संभावना रहेगी। तो ये था हमारा वार्षिक परीक्षा 2023 24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से मेहनत करो। इसी के साथ जो अदर सब्जेक्ट रहेंगे वो भी आपके यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला, जिस प्रकार हिंदी में आपकी मदद की थी। आपने नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि हिंदी में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अधिकतर क्वेश्चन आए हुए थे और ये भी आने वाले हैं। तो अच्छे से मेहनत करेगा उसी का चंक आएंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, आपके जो प्यारे दोस्तों ने चैनल का लिंक जरूर पहुंचाइएगा।